अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की सुबह टाइम है 6:30 और अभी हम चलते हैं जी किचन में, ब्लैक टी बनाते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं। और ये देखिए कुछ ज़्यादा ही पिंक सी सुबह है, बहुत खूबसूरत मंज़र, बहुत सुकून, हल्की हल्की सी ठंड है। चलें जी ब्लैक टी बनाते हैं और वॉक पर चलते हैं, लेट्स गो। ये जी हम ब्लैक टी बनाते हुए ब्लैक टी लेकर हम छत पे जाएंगे। और ये आ गया जी टी बैग और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म हो जाएगा ये इसमें डल जाएगा तो ब्लैक टी बन जाएगी तो हम छत पे चले जाएंगे। कैसा गर्म पानी डालते हुए स्लोमो बना रही थी बड़े शशकों के साथ, पर बना नहीं। खैर ये आ गई हमारी जी ब्लैक टी, अब हम चलते हैं जी छत पर, लेट्स गो जी फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सब सो रहे हैं, सन्नाटे में निकल लेंगे, लेकिन नहीं, शोर हो गया और घर वाले डिस्टर्ब हो गए। व्यू चेक करें जी छत का, माशाल्लाह से सुबह सुबह का अमेजिंग अमेजिंग व्यू। पूरी कोशिश की थी कि कोई ना उठे, लेकिन घर वाले डिस्टर्ब हो गए शोर की वजह से। मॉर्निंग वॉक आज रूटीन बनानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हम किसी हद तक। थोड़ा लेट है लेकिन इंशाल्लाह बन जाएगी। और हम ब्लैक टी पीते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं। फुल सन्नाटा, धुन सी हो रही है। देखे टाइम हो गया हुआ है 7:15 और फुल गलियां सुनसान, सन्नाटा, और ये व्यू, और काफ़ी डस्ट सी है इस वक्त। देखें आसमान बहुत क्लीन है भाई। यहाँ पर आ गई है जी हमारी ब्लैक टी, जो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हुई हुई है। अब हम इसे पियेंगे और फिर वॉक करेंगे और फिर उसके बाद हम दिन की शुरुआत करेंगे। किसी महान इंसान ने कहा है कि जी जो सोता है वो खोता है, तो हमने एक अलग वे में जाकर इस चीज़ को लिया है और ये चीज़ अच्छी भी है और ये सच भी है कि जब आप जल्दी उठते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और आप बहुत कुछ कर पाते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं होता, लिमिटेड होता, फिर आप ये कहते हो दिन निकल गया क्योंकि आप सोते रहते हो। तो इसलिए आज से हमने पाना है, खोना नहीं है। तो ये कौवा आके मेरी बातें सुन रहा है, वो कहेगा ये पागल हो गई भी है लड़की सुबह सुबह। तो आज से हम पाएंगे, खोएंगे कुछ नहीं, जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक वगैरह करेंगे और ये सुकून और ये फील जो है ना, वो बाकी में सुबह के ही उसमें होती है। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जो सुकून वाला माहौल है और मज़े वाली जो है ना फील है, नेक्स्ट लेवल। वो देखे वहाँ पर कितनी धुन छाई हुई है, देख रहे हैं। और ये देखें जी ये बन है और वहाँ देखे कितनी जो है ना धुंध है। ये चीज़ देखें
चले जी, ब्लैक टी को ज़्यादा ब्लैक कर दिया मैंने कुछ ज़्यादा ही, इसको ख़त्म करते हैं, वॉक करते हैं। आज फ्राइडे था तो आज मैंने शूज़ नहीं पहने, तो आज हम चप्पल में करेंगे वॉक। मिट्टी कितनी होती है सर्दियों में, पेड़ मिट्टी से भरा पड़ा है। ठंडी कर ली मैंने, लेकिन कोई नहीं, ख़त्म करेंगे इसको। और सूर्य नमस्कार, सूरज बड़ा होता जा रहा है और एक खूबसूरत 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 व्यू देता जा रहा है। और पता नहीं आजकल के मुर्गों को क्या होता है, 3 बजे से ये ना अजान देना शुरू कर देता है और देते रहते हैं। किसी दिन इसी को काट के पका लूँगी मैं, फिर देना। ब्लैक टी तो हो गई भी है ख़त्म और वॉक हो गई भी है शुरू। इतनी सुस्त वॉक मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी होगी, ना किसी ने की होगी। फर्स्ट डे तो फुल जो है ना वो वाला मूड हुआ हुआ है, क्या से कहते हैं, सुस्ती वाला। और पता नहीं एक और महान इंसान ने कहा है कि सुबह सुबह ना आप को पढ़ना चाहिए, उससे ना आपका दिमाग फ्रेश होता है। मेरा तो सुन हुआ है और हमेशा होता है। लो जी धूप आ गई भी है और कहते हैं जी सुबह की ये धूप लेनी चाहिए, इसमें विटामिन डी होता है या ई होता है, डी, हाँ डी होता है, डी होता सही। तो हम आज विटामिन डी धूप से लेंगे और हमेशा लेते हैं, उम्मीद तो यही है। लेट्स सी कब तक अपने यू नो अहद पर पक्का रहते हैं। अब अहद किया है तो अहद वफा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, और ख़ुद को और बाकी जो हैं उनको भी मोटिवेट करते रहेंगे। फेसबुक पे पता नहीं कहीं पे मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, तो उस पे था कि जी सर्दी की शाम हो और चाय का कप और छत हो, सही है। लेकिन मुझे जो ये फील है ना, ओहो सुबह हो, ब्लैक टी हो और हल्की सी ठंड हो और छत हो, बस सारे पैसे इसी के ही हैं। यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है, मैंने अभी नोटिस किया बैक साइड, और पता नहीं क्यों, बाकी तो आसमान एक लेयर सी
है ब्लैक। तो वॉक हो गई भी है डन, चाय ब्लैक टी भी हो गई भी ख़त्म, और टाइम हो गया है 8 बजने वाले हैं, 3-4 मिनट बाकी हैं, तो जी हम वापस जाते हैं नीचे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, 8 बजे मैं वॉक करके नीचे आ गई थी, तो और उसके बाद मैं 9 बजे सो गई और 11 बजे अभी उठी हूँ, और मैं यहाँ एडिटिंग करती हूँ अपनी वीडियो की, और यहाँ की अभी सफाई करते हैं, और प्रॉपर इसको ना एक टीवी लॉन्च को उसकी शक्ल देते हैं स्टूडियो की, ताकि यहाँ पर बैठ के कंफर्टेबली काम किया जा सके। तो लेट्स गो। तो सुबह तक ये टीवी लॉन्च था, अभी ये मेरा मिनी स्टूडियो बन गया है, तो आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। तो कल तक था ये टीवी लॉन्च, और अब ये बन गया है मेरा मिनी स्टूडियो, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनों में रहें और अपनों का ख्याल रखें।